जेड भी भाई डाउन टू अर्थ हम लोग से मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा हमसे। तो भैया सबसे पहले आप अपना कुछ गाना गा के सुना दीजिए। तो वो गाना आपको सुना रहे जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे, ओए होए शर्म आ गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, ए मम्मी आ गई का। सो गाइस यहाँ पर हम अभी आए थे श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन, लेकिन यहाँ पर संडे को कोलकाता मेट्रो क्लोज रहता है। सो अब देखते हैं क्या प्लानिंग होता है, आपको ब्लॉग पे बने रहना है। सो सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं फिर से नए ब्लॉग में, क्योंकि पार्ट वाइज बना रहे हैं तो मेरा हर ब्लॉग नया हो रहा है। देख सकते हैं हाफ शटर डाउन है मेट्रो रेलवे स्टेशन में, तो बंद है। अभी हावड़ा जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, चलते हैं हावड़ा बताते हैं। सो जैसे कि पता है गाइस आज लास्ट डे है, और अभी हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर एस्प्लैनेड में, और हावड़ा के लिए बैठे हैं बस में। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर बस में फेयर काफ़ी सस्ता है। सस्ता क्यों है नहीं पता, लेकिन काफ़ी सस्ता है। 25-20 रुपये में आपको 25-30 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ से एस्प्लैनेड से हावड़ा जाने वाले हैं। हावड़ा जाने का पर्पज सिर्फ एक है, वहाँ पर हमें मिलना है जेडवी राय से। अगर आप नहीं जानते जेडवी राय कौन है, तो आइए सुमित भाई से बात करते हैं। सुमित भाई जेडवी के बारे में कुछ बता दीजिए। जेडवी भाई अभी कोलकाता के बहुत ही बड़े रैपर हैं, जिसने गाना गाया है पगला को पगली से प्यार हुआ, और आप सभी जानते हैं उनको, वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक रील्स काफ़ी ज़्यादा बना उसको जी, इंस्टाग्राम में रील्स भर भर के बना है। हुक्का को उड़ा देंगे हवा में समा में, अभी जा रहे उन्हीं के पास, मिलते हैं बातें करते हैं जी। अगर हम लोग बस में बैठे हैं, बात किया अभी सोनू भाई से, सोनू भाई बोले आप लोग हावड़ा आइए, वहाँ से सालकिया एक जगह है वहाँ पर जाना है जी। हुक्का को उड़ा देंगे हवा में। सो अभी वहीं जाने का प्लानिंग है। और हम बता दें यहाँ एस्प्लैनेड आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, यहाँ पर हम लोग आए थे सेकंड हैंड कैमरा मार्केट, यहाँ पर न्यू आइटम भी मिलता है। तो हमारे तरफ से शुभम भाई को एक छोटा सा तोहफा मिलने वाला है, जो कि ये देख सकते हैं बोया का MM1 माइक। ये हॉट गन है ना, शॉट गन, ये शॉट गन माइक है जो कि वायरलेस है और काफ़ी मस्त है, हमने इसे चेक भी किया। वायरलेस नहीं, नाम है शॉट गन, वायरलेस में ये शॉट गन माइक है। ये हम चारों की तरफ से शुभम भाई के लिए। अगर शुभम भाई आप वीडियो देख रहे हो तो बताओ भाई इस बारे में क्या कहना चाहोगे। और चलिए फिलहाल हावड़ा चलते हैं, उसके बाद बिना पिलर का खड़ा है, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। ये अंग्रेज के ज़माना का बना हुआ विदाउट लीवर ब्रिज है, जो कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा में सिचुएटेड है। और इनका दृश्य आप देख सकते हैं, इतना भारी भरकम हावड़ा ब्रिज, वो भी बिना पिलर का खड़ा है। जेडवी भाई का गाना है वो, मैं आपको जाऊँगा और वो गाना आपको वो गा के सुनाएँगे, उन्हीं के जवान से ये गाना सुनिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जेडवी भाई के मुँह से ही ये गाना शूट करता है। सो चलिए चलते हैं, सीन कुछ हावड़ा ब्रिज का ऐसा है। इधर हमारा वीरू भाई ये भी ब्लॉगिंग करते हुए, वो आपके वीरू भाई के चैनल में मिल जाएगा, सबके स्टोरी को देखें, स्टोरी अच्छा लगेगा। हम लोग सालकाई में उतर के आ गए हैं अरविंदा मॉल में, देख सकते हैं। और यहीं पे सोनू भाई और जेडवी भाई आ रहे हैं, मतलब हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, हम उनसे मिलने आए हैं, तो वो ये लोकेशन बताए हैं ठीक ना, क्योंकि भाई
उतने बड़े भी सेलिब्रिटी हम नहीं है कि हम उनसे मिले, सेलिब्रिटी तो हम समझते ही नहीं अपने आप। भैया सेल्फी स्टिल, आप सबको पता है हम मास्क में स्मार्ट नहीं लगते हैं, इसलिए मास्क खोल रहे हैं और हुक्का को फूंक देंगे हवा में, यही ना है जी सॉन्ग का टाइटल क्या है, जो ये सब चीज़ जो है ना सिर्फ जेडबी भाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली अरविंदो मॉल पे आ चुके हैं जो कि हावड़ा सालकिया में पड़ता है, और अभी हम मिलने आए हैं जेडबी भाई से और वो यहीं पे रहते हैं और सोनू भाई भी यहीं रहते हैं। सोनू भाई से मेरी बात हुई, बोले कि हम जेडबी भाई को लेके आ रहे हैं। सोनू भाई पर ऑडियंस से बात हो रही थी, ऑडियंस का डिमांड रहेगा ये जानने की हम लोग जेडबी भाई से कैसे मिले, तो भाई क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट करना, उसके बाद आपको बताऊंगा जरूर। हाँ लेकिन अभी बता देता हूँ, जेडी भाई से मिलने का रीज़न है कि सोनू भाई जिनका चैनल है लिविंग विद सोनू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सोनू भाई को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत सोनू भाई अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू, जेडी भाई देखेंगे थैंक यू जो कि जेडी भाई से मिला रहे हैं हमें। वीडियो को आप देखिए, सोनू भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा, जेडी भाई के दोस्त है काफ़ी, मतलब बेस्ट फ्रेंड है दोनों, मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो एरिया है बचपन काफ़ी, मतलब जेडी भाई का जो बचपन है इन्हीं गलियों में इन्हीं चौहारे में गुजरा है ना, यहीं पे हुक्का उड़ाए थे हवा में और वो फाइनली सॉन्ग भी आ गया। और हम लोग अभी यहाँ पर थर्ड फ्लोर में हैं अरविंदो मॉल में, सो इंतज़ार है उस पल का, उस घड़ी का, काफ़ी एक्साइटेड हैं, वी आर सो एक्साइटेड टू मीट विद जेडवीर राय, और उनके बारे में काफ़ी सारा चीज़ जानेंगे। उन पर देख सकते हैं फ्रेंड हमारे सोनू भाई हैं, इन्हीं के थ्रू हम मिल पा रहे हैं जेडवी सर से और अभी इनसे मिलेंगे। मेरा भाई जेडवी यहां पर आ चुके हैं, इनका सॉन्ग तो आप सुने ही हैं, और यहां पर हमारे भाई साहब को देख सकते हैं। सोनू भाई थैंक यू दोस्तों, आइए यहां पर जेडवी सर से कुछ बात करते हैं। बिल्कुल, तो भैया सबसे पहले आप अपना कुछ गाना गा के सुना दीजिए। तो वो गाना आपको सुना रहे जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है जी, काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे, ओए होए शर्म आ गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, ए मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का। और इस गाने पे आपका 124 मिलियन भी हो गया सबसे पहले, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। 120 मिलियन होने वाला शायद, आज देखे थे सुबह 120 या 24 था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपका सबसे फर्स्ट सॉन्ग हम सुने थे कोलकाता रैप, तो उसका भी एक दो लाइन हो जाता तो काफी अच्छा लगता, सबसे फर्स्ट सुने थे। ओके ओके। कलकत्ता में आओ तुमको चाय मिलेगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ भाई भाई मिलेगा, एक नंबर स्कूल मिठाई मिलेगा, इधर लंदन मिलेगा, दुबई मिलेगा। ये गाना सबने बहुत सारा सपोर्ट, ये सबसे फर्स्ट ऐसा सॉन्ग था जो कि काफी अच्छा लगा था मुझे, और मतलब उसमें लगा नहीं था कि हम भाई से मिलेंगे कभी, लेकिन आज मेरे सामने है, मतलब दुनिया जिसका दीवाना है और आज वो मेरे सामने है। ये अरे मतलब बात है भैया, सब आप लोग का सपोर्ट है, भाई लोग का प्यार है, तो हम लोग आगे निकल रहे हैं विदाउट एनी प्रमोशन, पूरा इंडिया में मचा रहे हम लोग। जी बिल्कुल, प्रमोशन के पीछे कोई नहीं, भागना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऑडियंस का प्यार जहाँ मिलेगा वहीं सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जहाँ मेरा भाई लोग का सपोर्ट है उधर हम लोग एक नंबर होकर दिखाएंगे। जी बिल्कुल, आप कभी दुमका आइए, हम तो दुमका से हैं भाई, रांची से। दुमका से, दुमका के ऊपर कुछ रैप निकाल सकते हैं अचानक तुरंत? दुमका आओ कान वाला झुमका, आओ कभी दुमका जी, ऐसे मतलब कि चाहेंगे तो निकाल जाएगा, टाइम मिले तो लिख के अच्छे से हम लोग बना सकते हैं दुमका के ऊपर। तो और आने वाले समय में जरूर ट्राई करेंगे कि कुछ दुमका से रिलेटेड भी अपने गाने में ऐड करें। तो जेडवी भाई आप हमको एक बात बताइए, आपका जो सॉन्ग है 1 मिलियन आप बोले तो होगा तो रिलीज कर देंगे, लेकिन वो अभी तक 2 मिलियन हो गए आए नहीं है। तो वो गाना ना रिलीज करने का रीज़न कि एक कंपनी ने वो गाने को खरीद लिया, जिसके वजह से वो गाना अभी रिलीज नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो वो फिर भी ऑडियंस जानना चाहेंगे वो गाना कब तक रिलीज होगा? वो गाना अराउंड 1 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगा। कौन सा चैनल पे होगा वो चैनल? चैनल पे, हाँ, या तो पंजाब के चैनल किसी पर रिलीज होगा, या फिर अगर ना हो, अच्छा डील ना मिले, तो हमारे चैनल पर रिलीज होगा। जी, तो उसमें काफी सारे कमेंट भी आया था हमने देखा। हाँ, कि बिल्कुल, भाई, बिल्कुल, आप बोले थे। उसके लिए सबसे मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ, नहीं नहीं, उसके लिए सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि वो गाना नहीं आ पा रहा है, आएगा तब आपको सबको बहुत मजा आएगा। जी, उनका टोन सुन के काफी अच्छा लगता है। गाना का एक लाइन हो जाए छोटा सा उसमें से, उसमें बस यही है कि बहुत बिल्ला माल तू है, बहुत बिल्ला माल, ऐसे करके ही है। जी चलिए, तो वो मतलब कि अभी सस्पेंस रखते हैं, लेकिन इंसान क्लेम लगा सकता है। हाँ, वो मतलब कि सस्पेंस रखते हैं ताकि हाँ, और आपका क्रेज बढ़े उस सॉन्ग के लिए। और जेडवी भाई डाउन टू अर्थ हम लोग से मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा हमसे। आपको एक बात बता दें, मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ भी आपकी बहुत फैन है, तो एक बार उनको हाय बोल दीजिए। भाभी जी आपको बहुत सारा प्यार, हम छोटे देवर की तरफ से ऐसे सपोर्ट करते रहिए हमें, और भैया भी आगे निकलेंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। थैंक यू, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वेलकम, मेरे को मिलकर बहुत मज़ा आया। और
एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, तो ये तो गुरु हैं लेकिन गोविंद इधर खड़े हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मेन वजह जो है मिलने का वो हमारे सानू भाई है, सोनू भाई है, इनका भी चैनल है लिविंग विद सोनू। आप सॉन्ग के एंड में सुनते होंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो इन्हीं का लिंक रहता है और इन्हीं के थ्रू हम इस जेडवी भाई से मिल पा रहे हैं, वन एंड ओनली जेडवी भाई। सो थैंक यू सोनू भाई, वेलकम। सबसे बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग भी यूट्यूबर, आप लोग भी काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हेल्प कर जी। तो यहाँ पर अब टाइम हो चुका है जेडवी भाई को अलविदा कहने का, जाएंगे अपने घर। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब था फिर भी आए मिलने के लिए, इसके लिए थैंक यू जेडवी भाई। आप तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आए, इसके लिए थैंक यू। सो फिर से मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, कभी मिलते रहेंगे, ठीक ना? मिलेंगे जी, अगले बार आएंगे तो अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हो सके तो शायद इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जरूर। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। गाइस इधर है बाजार कोलकाता और यहाँ पर हम लोग जेडवी भाई को कहने वाले हैं फिलहाल, तो हम जरूर मिलेंगे। और यहाँ पर फिलहाल जेडवी भाई अभी अब जाएंगे अपने घर और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे भाई से। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सर आपसे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी हम लोग यूट्यूबर हैं तो हो सके तो कोलकाता हर महीना आए। अरे हाँ, हम लोग भी आएंगे झारखंड। झारखंड आप कभी भी आइएगा ना, फोन चेक करिएगा ना, हमेशा अवेलेबल है आपको। यहाँ पर राइट दे रहा हूँ, रुद्र अभिषेक मेरे घर पे होगा। यहाँ पर एक और ब्लॉग बन रहा है, सबको आना है, एकदम प्रॉमिस आना है, तो आना है। ब्लॉग वो वहाँ देख लेना। और आपको ये मैं बता दूँ कि अभी मैं आ चुका हूँ कोलकाता से यहाँ पर अपने रूम में, बैरकपुर। बता दे शुभम भाई, हम लोग को धक्का मार के निकाल रहे हैं। अरे ऐसा ऐसा बात नहीं है कि मेरे पापा जबरदस्ती कर रहे हैं, बोल जबरदस्ती बोले बोले 4 दिन रुक गए हैं